भोपाल में निकाय चुनाव के प्रचार का शोर अपने चरम पर है। भोपाल में बीजेपी ने मालती राय को अपना महापौर प्रत्याशी बनाया है। मालती राय शहर में जनसंपर्क कर लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। मालती राय का कहना है कि वे विकास के नाम पर जनता के पास जा रही हैं और जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। मालती राय से बात की हमारे संवाददाता सोहन सिंह ने। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का शोर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी मालती राय जो हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार जो है चुनाव प्रचार कर रही हैं और अभी उनके साथ जो है पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता भी हैं। मालती राय जी का लोग देखिए स्वागत कर रहे हैं, बाकायदा जो है चुन्नी उनको पहनाई जा रही है। मालती राय जी किस तरह से देख रही हैं चुनाव प्रचार? मैं जनता के बीच जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर चुनाव मैदान में उतरी हूँ। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ती है और मुझे जनता का अपार स्नेह मिल रहा है। मैं अभिभूत हूँ कि 5 साल में मैं जनता का ये प्यार जनता को विकास के मुद्दे को लेकर लौटा सकूँ। अच्छा, आप विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी जो है विवा पटेल उनको किस तरह से देख रही है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, इसलिए कोई प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं है। और अगर उनको जो है संकल्प पत्र आ गया, आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? उनका जो संकल्प पत्र आया वो उनका है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आएगा, उसे हम मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे। कुछ प्राथमिकताएं तो होंगी, कुछ तो आपका वो रहेगा शुरुआत। बिल्कुल, देख रहे हैं आप जो है वो बिल्कुल जो है जनसंपर्क चालू है, लोगों से जो है मुलाकात मालती राय की हो रही है और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस से उनको कोई डर नहीं, भाजपा का कार्यकर्ता जो है वो चुनाव लड़ रहा है और उनकी जीत जो है तय है। कैमरामैन सतीश के साथ सोहन सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड, भोपाल।